हेलो गाइस, इट्स वंशिका नैंदा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुल एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो है नसीम शाह और उर्वशी रौटेला पर वीडियो। हालांकि काफ़ी टाइम हो गया है यार उर्वशी रौटेला और नसीम शाह की बेसिकली रूमर्स काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जो बेसिकली उर्वशी रौटेला है शी हैज़ अ क्रश ऑन नसीम शाह, और वो भी क्यों ना, क्योंकि जो नसीम शाह है वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हंक है। ये उर्वशी का नहीं, इवन आधी इंडियन लड़कियों का उन पर दिल आ रखा है। बाकी लड़के ये नहीं देख रहे कि नसीम शाह सिर्फ 19 साल के हैं, बस उन पर दिल, वो कहते हैं ना दिल दे रही है अपना। तो मैं देखना चाहती हूँ कि वीडियो में क्या हुआ, और जैसे उर्वशी को क्रश है नसीम पे, क्या नसीम को भी क्रश है उर्वशी को देखने, मतलब उर्वशी के लिए। तो मैं तो उस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, मुझे खुद यार उर्वशी को, अगर हम बात करते हैं, ये कोई छोटी मोटी तो लड़की है नहीं, कोई आम लड़की तो है नहीं, एक स्टार है वो भी बहुत बड़ी। इसकी इनकी मतलब मूवीज पर हम देखते हैं तो ये मुझे वैसे भी बड़ी प्यारी लगती है, मैं इनकी फ़ैन हूँ। लेकिन ये मुझे इस चीज़ का क्यूरियोसिटी हो रही है कि नसीम शाह के ऊपर इनका क्रश कैसे आ गया। मतलब देखा जाए ना, एज का भी डिफरेंस है और यू नो कल्चर रिलीजन हर चीज़ का डिफरेंस है, फिर भी वो मतलब कि उसके ऊपर उसको स्पेशल उसको इतना जैसे हमने इनकी काफ़ी सारी मूवीज़ देखी हैं स्टेडियम में इसको मतलब सपोर्ट करते हुए, और काफ़ी इनकी सोशल मीडिया पे वायरल है कि इनका क्रश इनके ऊपर हो गया है। तो मैं देखना चाहती हूँ क्या इस वीडियो में ये भी बताया गया है कि रीज़न क्या है, क्यों ये ऐसे मतलब इनके ऊपर फिदा हो गई है, या फिर हुई भी है कि नहीं, या सिर्फ अफवाह है, तो हाँ। क्या होने वाला है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। देखते हैं वीडियो में क्या है, तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, फिर देखते हैं। उर्वशी रौटेला की नसीम शाह के साथ वीडियो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। उर्वशी रौटेला की जानिब से शेयर की गई वीडियो में दिखाया गया है कि नसीम शाह उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं, जबकि उर्वशी उसके जवाब में शर्माने वाले अंदाज में मुस्कुराई। इस वीडियो को देखकर मद्दाहों ने उर्वशी रौटेला को खूब ट्रोल किया। उर्वशी रौटेला की जानिब से इस वीडियो को एडिटेड वीडियो कहा जा रहा है, जबकि उर्वशी की इस हरकत पर एक पाकिस्तानी सारिफ ने लिखा है, ओ आंटी ये 19 साल का है, इसे छोड़ दो। जबकि एक सारिफ ने कहा, ये ग्राउंड में हार्दिक पांड्या के लिए आई, कुछ का कहना था कि ऋषभ पंत के लिए आई, लेकिन ये बाजी तो बहुत ही आगे निकल गई है। दूसरी तरफ एक भारतीय सारिफ का कहना था कि इसमें उर्वशी रौटेला का कोई कसूर नहीं, वो एक पख्तून है जो कि बाकी लोगों से ज्यादा खूबसूरत होते हैं। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मतलब ही इज वेरी, मतलब ऐसे काम अपना ध्यान दे रहे अभी यार। नहीं, ऐसा 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 कोई प्लान नहीं है। और स्माइल तो आपके सवाल पे आ रहे कि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि उर्वशी कौन है, क्या है, क्या नहीं पता, और पता नहीं हो इस तरह की वीडियोस वगैरह वो करते, मुझे तो पता भी नहीं है कैसा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन कोई इस तरह का प्लान नहीं है, अभी सिर्फ क्रिकेट पे फोकस है और सिर्फ क्रिकेट खेलनी है। उर्वशी आपके लिए आती है पाकिस्तान का लाइव देखने, आपने फील किया? यार मुझे तो सही बताओ, मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं पता। मैं तो ग्राउंड में खेलता हूँ और इस तरह लोग वीडियोस वगैरह भेजते हैं, लेकिन मुझे ऐसा आइडिया नहीं है। तो और जो भी देखते हैं उनकी मेहरबानी है कि ग्राउंड आके मैच देखते हैं, और जो भी पसंद करते कोई भी हो तो मेरे लिए अच्छी बात है, कोई भी मेरे लिए आता है। मैं कौन सा आसमान से आया हूँ, मतलब ऐसा कुछ खास नहीं है मेरे अंदर, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि लोग प्यार करते हैं तो अच्छी बात है। लगाया और क्या क्या किया और सारे बाग के जिस तरह आए, तो आई थिंक एक बहुत ज़बरदस्त था कि उस टाइम पे ज़रूरत थी, और अल्लाह ने करा दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ बिलीव था और बस यही सोच थी कि अल्लाह ताला मदद करेगा, बस मैंने बस बॉल को देखते हिट करना, और अल्लाह का शुक्र है वो हो गया। ऑक्शन पे बैट तो लगाया हुआ है, देखते हैं इंशाल्लाह कि उस पर क्या आते हैं, जो जितने ज़्यादा पैसों पे जो ख़रीदेगा उनको मिलेगा, और कोशिश यही है सारे जितने भी उसके पैसे है कुछ जो फ्लड में जो लोग हुए हैं उनमें, और उसके अलावा बाकी भी बहुत चीज़ें हैं तो वो उनमें मैं दूंगा सारे इंशाल्लाह। फिर उन्होंने जश्न मनाया, तो आई थिंक एक जबरदस्त चीज होती है कि आपके अपने जो इलाके के लोग हैं वो आपके फखर करते हैं, आपके जीत में,
तो आई थिंक सबका शुक्रिया है कि सारे सपोर्ट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब मैच जीतते हैं तो जब मैं छोटा था और पाकिस्तान या इंडिया का मैच होता था या कोई भी इस तरह का मैच होता था, तो आई थिंक मुझे अभी भी याद है कि मैं मैच जब पाकिस्तान हारता था मैं खुद रोता था। तो ये एक नेचुरली चीज़ है कि सारे ऐसे होते हैं, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मेरे से वो काम करा दिया कि पाकिस्तान मैच जीता, तो मुझे खुद बहुत खुशी थी। प्रेशर को आई थिंक दा से नो, लेकिन दावा चे और शहीन बिल्कुल दागे दा से सब प्रेशर को ना हो टोल खल को पश्तो में बोल रहा है ना समझ नहीं आ रहा कई न्यू बाल सरा मा बॉलिंग कड़े हो जैसे पीएसएल के ऊपर काउंटर के ऊपर हारजी के और बिल्कुल चे जिम्मेदारी पसर बने राशि चे नवे बाल कबल दी और पहला ओवर द टोल ने इम्पोर्टेंट भी द टोल मैच नो अल्हम्दुलिल्लाह पागबाने बसमा पल कोशिशों को बाकी टोल लाला मदद हो और शहीन माशाल्लाह डेर डेर परफॉर्मेंस इस कीड़ी दी पाकिस्तान द पारा और वादा बिल्कुल वादा को वादा उम्र मिलाना था इंशाल्लाह उस पे लाल क्रिकेट पाने फोकस थे और चिकला वादा टाइम राशि इंशाल्लाह भी आप जरूर बात हो। थैंक यू जी। आज उर्वशी राउतेला जो कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ड्रेसिंग रूम के साइड वाली बालकनी पर बैठकर ही मैच देख रही थी, जहां पर वो सारे खिलाड़ियों का करीब से अभिवादन करते हुए नजर आईं। जहां पर से उर्वशी राउतेला खड़े होकर मैच देख रही थी वहां से सारे प्लेयर्स काफी नजदीक नजर आते हैं। ऋषभ पंत भी जानते थे कि उर्वशी राउतेला बालकनी पर ही खड़ी हुई है, इस वजह से वो डगआउट के आसपास कहीं दिखाई नहीं दिए। लेकिन फिर भी इस मैच के दौरान एक मोमेंट ऐसा आया जब उर्वशी राउतेला और ऋषभ पंत दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट किया, और इस मोमेंट को देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जैसे ही उर्वशी राउतेला ने ऋषभ पंत को देखा उन्होंने अपनी मिडिल फिंगर ऋषभ पंत को दिखा दी, जिसके जवाब में ऋषभ पंत भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी उर्वशी राउतेला को अपनी मिडिल फिंगर दिखा दी, और उर्वशी राउतेला और ऋषभ पंत की यह तस्वीर कैमरे में कैद हो गई। यह तस्वीर यह दिखाती है कि दोनों एक दूसरे से अब कितनी नफरत करने लगे हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। लोग कह रहे थे कितनी बच्चलन है, हर एक पल में अपना लोग बदलती है, बेशरम बेहया और ना जाने क्या क्या। पहले जब लोग उर्वशी राउतेला को देखकर ऋषभ ऋषभ के नारे लगा देते थे तब उर्वशी को शर्म की साइन आ जाया करती थी। भाभी जी सुनकर तो उर्वशी राउतेला ऐसे शर्माती थी जैसे कोई टमाटर फटने वाला हो। लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच में ऐसा क्या हो गया जिसके बाद से उर्वशी राउतेला ऋषभ पंत के नाम से ऐसे चढ़ने लगी जैसे कि कोई उन्हें नुकीले पत्थर मार रहा हो। दरअसल हम सभी जानते ही हैं कि अब उर्वशी राउतेला की नजर पाकिस्तान के छल्लेदार लौंडे नसीम शाह पर है, जो उर्वशी राउतेला को ऋषभ पंत से भी ज्यादा भाने लगा है। उर्वशी राउतेला ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट से ही अपने प्यार का इजहार कर दिया था। आखिर पुराना तरीका कौन इस्तेमाल करता है, हाँ हुआ तो लोग, मना हुआ तो फॉलोअर, एक हाथ में घी और एक हाथ में लड्डू। वैसे नसीम शाह रोज अपनी चड्डियां बदल रहा है जब से उर्वशी राउतेला ने अपने दिल का हाल बताया है। आज एशिया कप के फाइनलिस्ट पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच हुआ, जहां पर भी उर्वशी राउतेला नसीम शाह को लाइव देखने पहुंच गई, और बताया जा रहा है कि नसीम शाह और उर्वशी राउतेला मैच से पहले मिले भी थे। खैर अब जो भी हो, पर ऋषभ पंत को इस लव ट्राइंगल से फायदा ही होता दिखाई दे रहा है, वो थोड़े से पतले नजर आने लगे हैं, शायद लौंडे ने टेंशन ले लिया हो। आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। यार मुझे ना जहाँ तक लगता है ना सब बातें इसके अंदर झूठ बोली जा रही हैं, एडिटिंग है सब, मुझे जहाँ तक लग रहा है। देखो अब पहली बात तो ये है कि अब उस जब हमने नसीम शाह की वो देख रहे हैं इंटरव्यू, तो वहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे तो पता ही नहीं है यार कि मेरे साथ हो क्या रहा है, या उसके मासूम में साफ साफ नज़र आ रही है। और दूसरी बात ये कि सवाल पैदा ही नहीं होता, वो इंडियन लड़की है, हिंदू है, ठीक है, और मतलब कि नसीम शाह का करैक्टर देखती है तो वो बड़ा मजहबी और यू नो रूरल एरिया से है, तो उसकी ऐसी कोई कॉन्सेप्ट, वो वैसे भी कह रहे हैं मेरे पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीज़ों के लिए, मुझे वीडियोज़ भी आती हैं वो भी नहीं मैं देखता, मुझे सिर्फ क्रिकेट का है।
और बाकी वो नज़र आ रहा है साफ साफ कि वो उसका एक उर्वशी का एक उन्होंने हंसते हुए छोटा सा एक क्लिप कैप्चर कर लिया और उधर से नसीम शाह का, तो उसको एडिटिंग के साथ उन्होंने ना मर्ज कर दिया, बस ये बात है और कुछ भी नहीं है। ऐवें लोगों ने उसको बेचारे के ऊपर दोनों को उठाया हुआ है, मुझे लग रहा है कि ये गलत है, ऐसे ही फजूल के इल्ज़ाम है बस, जैसे हवा देते हैं ना बात को, ये वो सीन है। तो इसमें कोई रियलिटी मुझे तो ज़रा भी नज़र नहीं आ रही है किसी भी हद तक। और अगर आप लोगों को नज़र आए तो आप लोग मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा फ्रेंड्स। और आप वंशिका से पूछते हैं, वंशिका तुम बताओ क्या तुम्हें कोई रियलिटी नज़र आ रही है इसमें? यार एक सही बात बताऊँ, कुछ बोल नहीं सकते वैसे भी यार। पहली बात तो ये ना, मुझे ऐसे लगता है कि पर्सनल लाइफ होती है, आप हर किसी बंदे की पर्सनल लाइफ होती है, चाहे इनका कुछ चल भी रहा हो। रही बात हिंदू मुस्लिम की, तो मुझे वो चीज़ नहीं लगती है, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है अगर कोई प्यार होता है ना तो कोई धर्म नहीं देखता है, वो ऐसे इंसान से होता है ना कि उसके रिलीजन से होता है। और उसमें तो अगर वो सच में इंटू है तो उर्वशी बिल्कुल एज एन इस्लाम के अकॉर्डिंग चलेगी, और फिर देखा जाए नसीम भी क्या पता फिर एज अ हिंदू चलेगी, वो तो हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकते हैं कि जैसे नसीम उनके इंटरव्यू में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भाई मुझे तो पता भी नहीं ऐसा क्या है, या तो वो मासूम एक्चुअल में या फिर वो मासूम बन रहे थे। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो प्लीज कमेंट के जरूर बताइएगा। और ये तो हम लोगों को सबको ही पता है कि भाई नसीम पे तो लड़कियां पागल हो रही है, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो यहाँ पाकिस्तान हो। तो आपका इस बारे में क्या हाँ बिल्कुल, और वो भी क्यों ना यार, इतने हैंडसम हंक है हमारे नसीम। तो आपका इस बारे में क्या सोचना है प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यही था हमारा रिएक्शन, और अगर आपको रिएक्शन अच्छा लगे यार तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हमें दें इजाज़त, बाय बाय, टेक केयर, बाय।